दोस्तों इस वीडियो में हम पूछेंगे जीके का 5 बड़े ही मजेदार सवाल। प्रत्येक सवाल के लिए मिलेगा सोचने के लिए 5 सेकंड। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए अच्छा जानकारी हमेशा पाने के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों अभी और इसी वक्त। सवाल नंबर 1, पथरी रोग जल्दी कैसे ठीक होता है? दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अच्छा जानकारी हमेशा पाने के लिए। अच्छा जानकारी मिलती है और मिलेगी। दोस्तों इसका सही आंसर है खूब पपीता खाने से पथरी की बीमारी तुरंत ठीक हो जाता है। जिन लोगों को पथरी बन गई है या पथरी होने की संभावना है उनको तुरंत ठीक होती है। इसीलिए पपीता खूब खाएं, भरपूर मात्रा में खाना चाहिए, ऐसे ऐसे बीमारियों को नष्ट तुरंत होती है। सवाल नंबर 2, घर के आसपास किस चीज़ का पेड़ रखना चाहिए बीमारी से बचने के लिए लकवा और फारलिस के? दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अच्छा जानकारी हमेशा पाने के लिए दोस्तों, कि अच्छा जानकारी मिलती रहे। दोस्तों इसका सही आंसर है फल का पेड़ रखना चाहिए। फल का पेड़ रखने से 2 फायदा होता है, फल भी मिलता है और उसका जब पेड़ बड़ा हो जाता है तो बिकता भी है, और उसके रहने से कोई प्रदूषण नहीं फैलती है। जंगली पेड़ रखने से घर में या ऐसे भी लकवा फालिस होती है। सवाल नंबर 3, गर्मियों के मौसम में कौन सा चाय नहीं पीना चाहिए भूल करके भी? दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अच्छा जानकारी हमेशा पाने के लिए। दोस्तों इसका सही आंसर है अदरक डाला हुआ चाय नहीं पीना चाहिए भूल करके भी। अगर अदरक डाला हुआ चाय अगर आप पीते हैं तो तरह तरह की बीमारी शरीर में उत्पन्न होगी, गर्मी के कारण आपको पेट खराब होगा तो सब पैसा बीमारी में लग जाएगी, इसीलिए न पिए। सवाल नंबर 4, गर्म खाना खाने से कौन बीमारी होती है? नहीं जानते हैं वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अच्छा जानकारी हमेशा पाने के लिए, अब अच्छा जानकारी हमेशा मिलती रहेगी। दोस्तों इसका सही आंसर है लीवर अंतरी खराब हो जाती है, यानी लीवर खराब हो जाता है, अंतरी में सूजन हो जाती है, पानी हो जाती है, तो तरह तरह की बीमारी में पैसा लग जाता है, इसीलिए ये काम भूल करके भी ना करें दोस्तों जीवन में। सवाल नंबर 5, खाली पेट अमरूद खाने से कौन कौन बीमारी शरीर में उत्पन्न होती है? दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अच्छा जानकारी दोस्तों हमेशा पाने के लिए। दोस्तों इसका सही आंसर है लीवर अंतरी में सूजन होती है खाली पेट अमरूद खाने से। अगर आप लोग अमरूद खाना पसंद करते हैं तो नमक डाल करके खाइएगा 1 से 2, नहीं तो सर्दी जुकाम बुखार भी होगा, सब पैसा बीमारी में लग जाएगा। थैंक यू दोस्तों, बने रहें, मस्त रहें।